सवाल ये भी है, सीएम से मिलने के बाद जब राजा भैया बाहर आए, उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट में कहा था वही मैंने किया भी है। मिश्रा जी इस पर नहीं, देखिए दो चीजें हैं, आप यहाँ विरोधाभास देखिए, मैं आपको बताना, ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि राजा भैया ने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। औपचारिकता निभाते निभाते ही सरकारें बन जाती हैं, जितने भी मेन इवेंट्स हुए हैं वो औपचारिकता से शुरू होती है और वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर राजा भैया जी को मिलना ही था तो आज यूपी या लखनऊ में ऐसी कौन सी आफत पड़ गई थी, कौन सी बहुत इमरजेंसी मीटिंग उनके पास थी कि वो आज ही कि किसी पंडित ने उनको बताया था कि आज ही शुभ मुहूर्त है और इतने बजे में मिल लीजिए। दिन मैं चर्चा इस चीज की कर रहा हूं कि दिन में तीन बार ये पलटने का इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई ठीक है, आपके मन में कुछ और है, जबान पे कुछ और है और एक्शन कुछ और हो रहा है, इसीलिए ठीक है आपकी पार्टी के वो है, आपने आपको उन्होंने वोट दिया, वो डेफिनेटली अपनी जगह पे आप सही है। लेकिन मैं घटना के क्रम को मैं देख रहा हूं कि अगर एक ही दिन में दो दो घंटे के अंतराल पे तीन तीन चार चार बार आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या बॉडी लैंग्वेज या काइनेसिस होती है तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा सर? जैन साहब क्या आंसर है? जैन साहब ये सवाल वाकई में है, आपसे जवाब चाहेंगे। जी जी, कल भी मिल सकते थे, वो इलेक्शन के बाद वोटिंग के बाद मिल सकते थे ना। आज जब सबकी धड़कनें तेज हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ये इनके साथ है तो ये खेमा बदल चुके हैं, पाला बदल चुके हैं, ऐसे में राजा भैया का आज की सीएम से मुलाकात ये ट्वीट से अलग नहीं है तो क्या है? देखिए देखिए, एके मिश्रा जी प्रूव करना चाहते अपने तर्कों से कि राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग की। मिश्रा जी आपसे चाहे नहीं, देखिए मैं शुरू से ही हम लोग ये बात कर रहे थे, बात अभी हमारे सारे राजनीतिक मित्र बोल रहे थे कयास लगाने की और कि क्यों हम पहले बोले। मैं बोलूंगा सर, जब इलेक्शंस होते हैं तो अभी 2019 का इलेक्शन है लेकिन सब लोगों ने विजय घोष स्वयंभू बनकर के कि जी हम ही जीतेंगे, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जा रही है, बसपा आ रही है, वहां पे तो बढ़ करके सारी चीजें बोलते हैं और अभी यहाँ पे सारे के सारे बात है डायनामिक्स की हो रही है। एक सवाल मेरे भी जहन में है, पूरी साहब कह रहे हैं कि तीन वोट हो सकता है कि अरुण जेटली साहब को ज्यादा गए थे, है ना, तो अगर ये वाकई में तीन वोट ज्यादा गए तो फिर नीचे जो नौवां कैंडिडेट है वहां पर जीत का दावा या फिर जीत के करीब जाने का दावा कैसे हो सकता है, क्योंकि तीन वोट तो आपके इधर आ गए और आपने काउंट किया था उसके बाद आने दीजिए, वहां तक भी आने दीजिए, परिणाम मिलेगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वहां तक आने दीजिए, परिणाम वहां भी मिलेगा। अभी आप ही ने सर बोला था कि भाई हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए परिणाम आने के, आप एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि जी हमें पता नहीं है कुछ या हमें जानकारी नहीं है, आप खुद बता रहे हैं, आपको कहां से पता चल गया कि तीन वोट आपको एडिशनल मिल गए हैं, यहाँ पे पहले से ही आपको पता चल गया? मैंने तीन नहीं, आज ये सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे, मैंने कहा था अरुण जी को कोटे से अधिक दो या तीन वोट मिल सकते। अच्छा नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ सर, देखिए है क्या राज्यसभा का वाइट जो है उसको रिवाइंड कर लीजिए, सुन लीजिए, मैं राजनीति में बहुत कंसिस्टेंट तरीके से बात रखने का आदि। वक्त ये बड़ी खबर फिलहाल आ रही है, राज्यसभा के 10 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है, अरुण जेटली का रास्ता साफ हो चुका है, चुनाव जीत चुके हैं, थोड़ी देर में आएगा राज्यसभा का जो पूरा परिणाम है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार हम बने हुए हैं, उनसे इस वक्त चर्चा भी जारी है, क्रॉस वोटिंग के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है, नौवीं सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है कि आखिर बीएसपी सीट निकालेगी या बीजेपी, लेकिन पहली सीट बीजेपी की निकल चुकी है। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ सी बात है। मिश्रा जी, जैन साहब के दावे और पूरी साहब के तीन वोट चार वोट जो बता रहे हैं कि अभी काउंटिंग भी हो जाएगी, चीजें सामने आ जाएंगी। ऐसे हालात में वाकई में स्थिति क्या है? एक सीट तो निकल गई लेकिन एक सीट की चर्चा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही सीट की चर्चा है जो नौवीं है और बीएसपी और बीजेपी वाली। अगर तीन वोट इधर एक्स्ट्रा पड़े तो उधर तीन कम हो गए अगर ये मान लिया जाए, तो फिर कहां से दावा? नहीं देखिए, हमने पुरी सर से ये पूछा था तो पुरी सर ने इस चीज को खारिज कर दिया कि भाई ऐसा तीन वोट जो एक्स्ट्रा पड़े हैं तो अब उस चीज को जो है पर्टिकुलरली ये लेके कि हाँ ये बहुत ही क्लासिकल इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, इस चीज को हमें लेके जो है आगे वो नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए इसमें है ये जो नवी दसवीं सीट का जो यहाँ पे सस्पेंस है कि जो आखिरी द्वार है वो हाथी तोड़ेगी या फिर पंजे से वो खुलेगा या फिर साइकिल से या फिर कमल के फूल से वो खिलेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इतना रहस्यमय ये चीज है। देखिए यहाँ ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ा ये जो गेम होता है ये क्रॉस वोटिंग का होता है और क्रॉस वोटिंग के मामले पे अगर मैं देखूं
तो बीएसपी समाजवादी पार्टी कांग्रेस में जो बहुत लॉयल टाइप के इनके लीडर हैं वो लोग क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, और मोरल वे में जो जरा सा भी मतलब हौच-पौच होता है किसी कैंडिडेट के साथ तो वो बहुत तेजी से शिफ्ट होते हैं। तो ये एक रीजन है जिसके कारण कि ये नवें और दसवें जो लास्ट मतलब उसके सीट के लिए जो लड़ाई चल रही है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस चीज को देखना। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना, अनिल सिंह ने साफ कहा, वो छुपे तौर पर नहीं, साफ कहा कि भैया मैं तो योगी जी के साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं समर्थन कर रहा हूँ। फिर ये तो खेल बिल्कुल ओपन हो गया है ना। नहीं देखिए, अगर ओपन खेले तो इसमें डरना क्या है। नहीं नहीं, खेल ओपन हो गया है। देखिए इसी चीज को लेके देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं एक ये चीज मैं बोलना चाहता, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फैन या समर्थक हूं। मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूं, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं, चाहे वो इथिक्स की बात हो चाहे कुछ भी हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है, आप जरा इस नजरिए से देखिए, वो अगर कैंडिडेट है एक्सेप्ट बीजेपी का कैंडिडेट कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उससे बीजेपी के कैंडिडेट को बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई और बेनिफिट मिल ही नहीं सकता है अगर उसको अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना है। दिनेश शर्मा मिश्रा जी आप पूरी बात कर लीजिए उसके बाद। नहीं देखिए संजय, एज ए कंक्लूजन अगर मैं देखा जाए, हालांकि कोई भी पार्टी, मैंने बोला इथिक्स वगैरह की बातें इनसे करना जो है बेकार है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है, अल्टीमेट जो गोल होता है वो इलेक्शन जीतना, संविधान के दायरे में रहते हुए सबने इस तरीके के गठबंधन किए हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो इन्होंने कर्नाटका में येदुरप्पा जी को वापस ले लिया, जो कि इनकी पार्टी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मिलाकर देखा